सुभाषित प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री पब्लिक एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है हिंदी साहित्य के बीए बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रथम पुस्तक में संकलित जो कवियों की जो काव्य सामग्री है, कविता है, जो सुनाए उनको हम एक करके पढ़ रहे हैं। तो कबीरदास जी वाले अध्याय में से हम इससे पहले हमने गुरु का अंग पढ़ा था। गुरु का अंग पढ़ने के बाद आज पढ़ेंगे सुमिरन का अंग। कबीरदास जी की जो शाखियां है उनका अध्ययन करेंगे और आज पढ़ेंगे सुमिरन का, सुमिरन को, ठीक है ना। यानी कबीरदास जी ने अपनी इन शाखियों में नाम स्मरण को लेकर बड़ा महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि नाम रखने से, नाम का स्मरण सच्चे मन से, परमात्मा का नाम लेने से हम परमात्मा के ज्यादा नजदीक पहुंचते हैं, उसका दर्शन कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो स्मरण का जो महत्व है वो इन शाखियों में होता है, ठीक है भैया विद्यार्थी। तो एक एक शाखा हम देखेंगे। भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मन सा वाचा करुणा, कबीर सुमिरन सार, ठीक है। उसके बाद पंच संगी प्यूं प्यूं करे, छटा जो सुने मन। आई स्तुति कबीर की, पाया राम रतन। और मेरा मन सुन रही राम, मेरा मन रामय आहि। अब मन रामय कह रया, शीश नवाब उठाए। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्गम हर दीदार। कबीर नाम धाइए, जिज्ञास होकर मंत। हर सागर जिन बीच में, चिंदर देखिया अंत। तो ये जो शाखियां हैं इन शाखियों के एक एक करके पढ़ेंगे। शाखियों का बड़ा अपना महत्व है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगत भजन हरि नाम है, कि हरि का नाम भजना ही, उनका नाम स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगत भजन हरि नाम, हरि का नाम लेना ही सच्ची साधना है, सच्चा भजन है। भक्ति का सच्चा स्वरूप हरि का नाम स्मरण करना है। दूजा दुख पार, दूसरा दूसरे सारे जो अन्य साधन है ईश्वर को रिझाने के, ईश्वर को प्राप्त करने के, वो तो संसार में दुख व्याप्त करने के साधन है। यानी सारे जो साधन है, देव देवता को पूजा अर्चना करना, यात्रा छापात्रा करना, ये सभी सभी जो ईश्वर को प्राप्त करने की जो साधनाएं हैं, ये दुखों का कारण है, इनसे दुख बढ़ता है। बल्कि सच्चा सुख तो हरि के नाम भजन में, हरि का नाम स्मरण में ही है। मनसा वाचा करुणा, लेकिन वो नाम भजन ईश्वर का जो स्मरण है वो कैसे होना चाहिए? मन से, क्रम से और वचन से। सच्चे ईश्वर का जो भजन है, ईश्वर का नाम स्मरण है, वो सच्चे मन से, यानी मन क्रम वचन से सच्ची साधना होनी चाहिए, सच्चा नाम स्मरण होना चाहिए। कबीर स्मरण सार, कबीरदास जी कहते हैं वही ईश्वर का सच्चा सार है, स्मरण का सच्चा सार है, जिसमें मन क्रम वचन से सच्ची भक्ति भावना से ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है, वही कबीरदास जी भक्ति का सार मानते हैं। बाकी अन्य साधनाएं तो दुखों का कारण है संसार में, इस तरह बताया है।
फिर देखिए ये पहले साकी और दूसरे साकी है कि पंच संगी पिउ पिउ करे छटा जसुमरे मन और आई सुति कबीर की पाया राम। इस संसार में जो मनुष्य है अपने पांच तत्व से बना शरीर ये पिउ पिउ करता रहता है, क्योंकि ये शरीर रूपी जो सारंगी है ये पांच तत्वों से मिलकर बनी है जो पिउ पिउ करती रहती है। पंच संगी पिउ पिउ करे, क्योंकि पांच तत्वों से मिलकर ये शरीर बनता है, जो ये शरीर पिउ पिउ करता रहता है, बसता रहता है। छठा जो सुमरे मन, छठा जो अंग है वो मन है, व्यक्ति का मन है। छठा जो सुमरे मन जो ईश्वर का स्मरण करता है, ये पांच तत्व जो इस संगी को बजाते हैं, इस संगी को बजाते हैं, पिउ पिउ करते रहते हैं, ये तो व्यर्थ के हैं। लेकिन जो छठा जो अंग है वो मन का अंग है, जिससे परमात्मा को स्मरण किया जाता है। आई सुति कबीर की छठे अंग मन से जब परमात्मा को सच्चे मन से स्मरण करते हैं, तो जब सच्चा दर्शन और सच्चा रूप और सच्चा ज्ञान और सच्ची साधना जब ईश्वर में करते हैं, तो हमें ईश्वर की अनुभूति होने लगती है और हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, हमें शुद्धि प्राप्त होने लगती है, तब जाकर हम राम रूपी को प्राप्त कर लेते हैं। यानी पांच तत्वों का बना शरीर ये तो व्यर्थ है, जो हमेशा बजता ही रहता है, लेकिन पांचों जो छठा अंग है वो मन का अंग है। इस छठे मन के आधार पर ही अगर हम सच्ची मन से साधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं तो हमें ईश्वर की शुद्धि प्राप्त होने लगती है, उसका उसके दर्शन होने लगते हैं, जो जिसके आधार पर हम राम रूप को प्राप्त कर लेते हैं, धर्म प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि स्मरण कैसा होना चाहिए, सच्चा स्मरण होना चाहिए, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं इन चीजों को। अगली शाख क्या है, मेरा मन सुन रही राम, मेरा मन सुन रही राम, मेरा मन राम ही आही, मेरा मन सुमरे राम को मेरा मन राम ही आई, अब मन राम है कि मेरा मन सुमरे राम को, कि मेरा मन सिर्फ राम 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 का ही स्मरण करता है, मेरा मन राम ही आए और मेरे मन में अब राम ही राम है, यानी मेरा मन सिर्फ राम में ही हो गया है, क्योंकि मेरा मन राम राम का स्मरण लगातार कर रहा है, इसलिए मेरा जो मन है वो राम में हो गया है, यानी राम पूरी तरह से राम राम में मन हो गया है, इसलिए अब मन राम में है गया, अब मेरा मन पूर्ण रूप से राम में ही हो गया है ना। शीष नवाओ काई, इसलिए हमें जब राम राम को सच्चे मन से राम राम का स्मरण करते हैं तो मन राम में ही डूब जाता है, और फिर राम में जब मन डूब जाता है तो पूरा मन राम में हो जाता है, संसार से विरक्त हो जाता है। इसलिए जब मन ही राम में हो गया तो बताओ हम किसके आगे शीश झुकाएं, हमें किसी के आगे शीश नहीं झुकाना चाहिए। जब सच्ची साधना करके सच्चा स्मरण करके जब हम राम राम का स्मरण करते हैं तब मन राम में राम हो जाता है, वहां कोई अन्य किसी का स्थान नहीं रह पाता, इसलिए हम अन्य किसी के सामने शीश नवाने हम दबाने के लिए शेष नहीं बचते, इसलिए सच्चे मन से स्मरण करने से पूरा मन है वो राम में हो जाता है। ये कहा है आत्मसमर्पण, ठीक है ना, मेरा मन सुमरे राम को मेरा मन राम आही, और अब मन राम है नया शीष नवा लोकाय, मतलब किसके आगे शीष नवाए, क्योंकि आपका मन है ना वो राम राम में हो गया है, राम हो गया है, इसलिए किसके आगे शीष नवाए। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ भवमान, कयो संत क्यों पाइए दुर्लभ हर निदान। बहुत अच्छी साखी है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए परम उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें सरलता से परमात्मा प्राप्त नहीं होते,
उसको प्राप्त करने के लिए हमें लंबा मार्ग चलना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का घर बहुत दूर है, परमात्मा का जो घर है वो बहुत दूर है, और हमें लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा, तब जाकर परमात्मा हमें प्राप्त हो सकते हैं। और इसी बीच उस लंबे मार्ग में विकट पंत भूमार, यानी बहुत ज्यादा जो ये रास्ता है, ये पंथ है, ये विकट संकटों से भरा हुआ है, बहुत सारे भूमार यानी बंटवार मिलते हैं, लूटने वाले, डकैती डालने वाले, बहुत से लोग रास्ते में हमें मिलते हैं जो हमारा सब कुछ लूट लेते हैं, इनका बड़ा खतरा रहता है। तो ये रास्ता सरल नहीं है, सुगम नहीं है, या इस रास्ते में बहुत ज्यादा विकट लुटेरे हैं, इसलिए इस पर जो परमात्मा का घर है वो बहुत दूर है, उसका लंबा बहुत, उसका रास्ता बहुत लंबा है। कहो संतों के उपाय में, कबीरदास जी कहते हैं ये संतों फिर किस प्रकार पाए, दुर्लभ हर दीदार, क्योंकि हरि का जो दीदार है वो अत्यंत दुर्लभ है, हरि का दीदार अत्यंत दुर्लभ है, उसे बड़े कठिन परिश्रम से और सच्ची साधना से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका दीदार करना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। कबीरदास जी कहते हैं संतो कैसे उस ईश्वर का दीदार करें हम, क्योंकि ईश्वर का दीदार अत्यंत दुर्लभ है। इस पंक्ति में अनेक लूटपाट करने वाले इस समाज के बहुत सारे लोग हैं जो हमें सच्चे मार्ग से और अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अंतिम शाखी क्या है, कबीर राम धाई ने जिव्या सोकर बंद हरिसागर जिन वही से ने छीनर देखी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिव्या तो राम को ध्यानी है, जिव्या तो राम का स्मरण करती है, राम 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 इस प्रकार स्मरण करती है, यानी जिव्या का काम है राम नाम का स्मरण करना, जिज्ञासु कर मंत्र, और मन का कार्य है जो राम है उसको हृदय में आभासित करना, राम के स्वरूप को हृदय में देखना, है ना, मन का कार्य उसका चिंतन करना, जो राम नाम है उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, हृदय में उसको देखना, ये मन का काम है जिज्ञासु कर मंत्र। क्योंकि हरि सागर जिन बीसरे, क्योंकि हरि रूप जो सागर है उस सागर के समान इतना है कि हरि रूप जो सागर है वो सागर के समान छिछला है, उतना है छीना देखिए आनंद, क्योंकि जहां राम नहीं मिलते, क्योंकि छिछलापन तो देवी देवताओं का अनुष्ठान कार्य ये है, ये तो केवल छिछलापन है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हरि रूपी जो सागर है जिसे छिछलापन छीलर देखे छिछलापन को हटाकर उसकी गहराई में जो तत्व प्राप्त होता है वो ही परमात्मा है, वो अनंत है, क्योंकि इसके छिछलेपन को देखे तो सागर की बहुत गहराई है, और गहराई में जाकर जो तत्व मिलता है वो ही परमात्मा का अंश है। तो हमें इस प्रकार देखना चाहिए, तो इस प्रकार ये सम्मेलन का अंग है कबीरदास जी का, इसमें यही बताया है कि भक्ति ईश्वर की जो भक्ति है वो नाम स्मरण पर, परमात्मा का नाम स्मरण पर बड़ा महत्व दिया कबीरदास जी ने। उन्होंने कहा कि ईश्वर का नाम सच्चे मन से, मन वचन कर्म से, है ना, मन वचन कर्म से, सच्चे कर्म से सच्चे वचन से अगर हम परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं तो परमात्मा हमें जरूर प्राप्त हो जाते हैं, सच्चे मन से, शुद्ध मन से, है ना। तो शुद्ध मन की यहाँ बड़ी हिमायत की है, स्मरण पर बड़ा महत्व दिया कबीरदास जी ने, है ना, तो तब हमें परमात्मा मिल जाते हैं। तो इसलिए बड़ा सुमिरन का अंग, तो सुमिरन का अंग में हमने ये पांच शाखाएं पढ़ी,
एक एक साख्या पांच पांच साख्या उसको प्रत्येक अंग में दी हुई है, तो एक एक जो अंग है हम उसको लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो प्यार विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं कि सुमरण के अंग में इसको एक बार और पढ़ लेते हैं, एक बार इसको दोहरा कर लेते हैं जिससे पूरा समझ में आ जाए। भगत भजन हरि नाम है दूजा दुखी अपार, मनसा वाचा कर्म कबीर सुमरण सार। कि भगत भगत भजन है सच्ची साधना, हरि की सच्ची साधना, हरि का सच्चा नाम स्मरण है दूजा दुखी अपार। इस संसार में अन्य जो साधनाएं सुख प्राप्त करने की वो तो दुख के हेतु है, दुख के कारण है। मनसा क्योंकि मन से वचन से कर्म से कभी का सच्चा स्मरण करना चाहिए और वो ही स्मरण का सही तत्व है। उसी प्रकार कि पंच संगी क्यों करे छका सुमरे मन, आई सुति कबीर की पाया राम रतन। कि पांच तत्व की शरीर इस आरण्य की तरफ क्यों क्यों करता रहता है, और छका जो अंग है वो स्मरण का अंग है जिसको मन कहते हैं। मन से अगर सच्चे मन से हम स्मरण करें तो जब तो सुति तो परमात्मा की हमें सुधि प्राप्त होने लगती है, और जब सुधि प्राप्त हो जाती है तो वही राम का परमात्मा का राम रूप रतन हमें प्राप्त हो जाता है, परमात्मा का असली रूप है। इसी प्रकार कि मेरा मन सुपरे राम, मेरा मन राम में आही और अब मन राम में ये रहा सिखाओ का, कि मेरा जो मन है पूर्ण रूप से राम स्मरण में है। कबीरदास जी कहते हैं मेरा मन सुमरे राम, मेरा मन तो क्यों राम नाम ही स्मरण करता है, राम नाम ही स्मरता है, मेरा मन राम है और धीरे धीरे मेरा मन राम में ही हो गया है, राम को ही प्राप्त करना चाहता है, अब मन राम में है रहा। जब मैंने सच्ची साधना करके राम नाम का स्मरण किया तो अब मेरा पूरा जो मन है चित्त है वो राम में हो गया है। जब राम में हो गया है तो बताइए अब कौन है जिसके सामने हमें अपना मस्तक झुकाऊं, अपना शीश झुकाऊं, है ना? क्योंकि जगह ही नहीं है किसी अंग को प्राप्त करने की। जब पूरा चित्त मन ही तन जब राम में हो जाता है तो किसके सामने करो शीश नवाए। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुबार, तो ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बहुत लंबा है और उसका जो घर है वो बहुत दूर है, इसलिए उस रास्ते पर चलने के लिए हमें बड़े धैर्य की आवश्यकता है, सच्ची साधना की आवश्यकता है, क्योंकि वो उस रास्ते में अनेक अनेक जगह पड़ती है जहां विकट बटमार बैठे हुए हैं जो हमें लूटना चाहते हैं, हमारे पथ को अवरुद्ध करना चाहते हैं, हमें लक्ष्य हीन बनाना चाहते हैं, है ना? तो अनेक विकट संकट है ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में। कहो सबको पाइए दूर, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं ये सबको बताओ तो किस प्रकार पाए दुर्लभ हरि दीदार। हरि का जो दीदार है, परमात्मा का जो दीदार है, वो अत्यंत दुर्लभ है। बताओ किस प्रकार उसको पाया जा सकता है, उसको तो एक ही साधन है कि सच्चे नाम स्मरण से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए कबीर राम ध्याई ने जिज्ञासा करना, कबीर दास जी कहते हैं कि राम को ध्याने का काम जिज्ञा करती है ना, और उसकी साधना का कार्य मन करता है, मन उसकी सच्ची साधना करता है। तो कबीरदास जी कहते हैं हरि सागर चंद्र कि हरि रूपी जो सागर है वो उछला नहीं है, उसकी गहराई में ही हरि का असली तत्व छिपा हुआ है। छिदली के अगर छिदली को हटा कर देंगे तो उसकी गहराई में है वही असली तत्व। तो परमात्मा प्राप्त करने का साधन सरल और सुगम नहीं है, यानी उसको प्राप्त करने के लिए हमें अनेक समस्याओं अनेक बाधाओं को पार करना पड़ेगा, अब धैर्य और सच्ची साधना के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी परमात्मा रूपी तत्व हमें प्राप्त हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि ये सुमिरन को अंग ये जो साख्या है वो तुम्हारे समझ में आ
आगे होगी, इसका बराबर स्मरण करें। जब ये साकेत तो में भावार्थक पता लग जाएगा तो संबंधित प्रश्न को हल करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम इतना ही, अगला जो कबीरदास जी का है उसको कल बिल्कुल लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार इसको पढ़ लें, आप पढ़कर देख लें और पढ़ने के बाद इसे इसका मनन करें, मंथन करें, जिससे कि पता लग जाए कि कौन कौन सी शाखियां हैं सुमिरन के अंग में, कबीरदास जी ने कौन कौन सी शाखियां इसके अंतर्गत रखी हैं। ठीक है तो विद्यार्थियों, धन्यवाद।